ओम शांति। आज 24 नवंबर 2022 की साकार मधुर मुरली। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाप का फरमान है, बच्चे मुझे याद करो और नॉलेज को धारण कर दूसरों की सेवा करो। तो करते हैं ना हम सभी बाप का ये फरमान फॉलो। बाबा को याद करना है, नॉलेज को धारण करना है और दूसरों की सेवा करनी है। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी राय बहुत अच्छी देते हैं? बाबा उत्तर देते, मीठे बच्चे अपना हिसाब किताब अर्थात पोता मेल रखो। अमृत वेले प्यार से याद करो, लाचारी याद में नहीं बैठो। श्रीमत पर देही अभिमानी बन पूरा पूरा रहम दिल बनो तो बहुत अच्छी उन्नति होती रहेगी। तो है ना सभी का हमारा ये पुरुषार्थ। डेली का अमृत वेले केवल रूटीन है, लाचारी याद में नहीं परंतु नशा हो वो फलक हो, बाबा की याद में देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस हो। कहें हाँ जी बाबा। दूसरा प्रश्न है, याद में विघ्न रूप कौन बनता है? बाबा उत्तर देते, पास्ट में जो विकर्म किए हुए हैं वही याद में बैठने समय विघ्न रूप बनते हैं। तुम बच्चे याद में बाप का आवाहन करते हो, माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम याद का चार्ट रखो, मेहनत करो तो माला में पिरो जाएंगे। कर रहे हैं ना सभी मेहनत। पास्ट के विकर्मों को भुलाना है तो वो याद के द्वारा ही होगा, तो थकना नहीं है। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यहाँ जब बैठते हो तो बाबा की याद में बैठना है। माया बहुतों को याद करने नहीं देती क्योंकि देह अभिमान है। कोई कोई को मित्र संबंधी, कोई को खान पान आदि क्या क्या याद आता रहता है। यहां जब आकर बैठते हो तो बाप का आवाहन करना चाहिए। जैसे जब लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। बात तो एक ही है, याद से विकर्म विनाश होंगे। धारणा नहीं हो सकती है क्योंकि विकर्म बहुत है। विकर्म इतने सारे किए हुए हैं आत्मा ने, तो याद में भी विघ्न डालती है तो धारणा में भी विघ्न डालती है। बाप को भी याद नहीं कर सकते, जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत निरोगी बनेंगे। डबल अंडरलाइन। जितना जितना हमारी याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, बाबा की याद जितनी हमारे भीतर समाती जाएगी उतना विकर्माजीत भी बनेंगे तो निरोगी भी बनेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस तो बढ़ानी चाहिए ना जरूर। हाथों पर करें है बहुत सहज, परंतु माया अथवा पास्ट के विकर्म सामने आते हैं जो याद में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, तुमने ही आधाकल्प अयथार्थ रीति से याद किया, अभी तो तुम प्रैक्टिकल में आवाहन करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है। परंतु ये याद की आदत पक्की हो जानी चाहिए। तुमको एवर निरोगी बनने के लिए अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, फिर तुम मेरे से आकर मिलेंगे। मेरे द्वारा मेरे को याद करने से ही तुम वर्षा पाएंगे। बाप और स्वीट होम को याद करना है। जहां जाना है वह बुद्धि में रहता है। बाप वहां से आकर सच्चा पैगाम देते हैं और कोई भी ईश्वरीय पैगाम नहीं देते। वह तो यहाँ स्टेज पर पाठ बजाने आते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण यहाँ आते हैं तो ईश्वर का पता नहीं रहता, उनको भी पैगंबर नहीं कह सकते। ये तो मनुष्य ने नाम लगा दिए हैं। वह आते ही है पार्ट बजाने।
वो याद कैसे करेंगे? उनको पाठ बजाते बजाते पतित बनना ही है। लक्ष्मी नारायण जब पावन है तब तो उनको याद करने की दरकार नहीं ना। जब पाठ बजाते बजाते पतित बनते हैं फिर अंत में पतित से पावन बनना है ना। वह तो बाप ही आकर बनाते हैं, है ना। इक्षु बाबा ही आकर बना सकते, वो तो कोई बना ही नहीं सकता। बस हमें करना है फॉलो, कहें हाँ जी बाबा, बाप की याद से ही पावन बनना है। बाप कहते हैं, बच्चे मेरे पास पावन बनाने का एक ही उपाय है, देह सहित जो भी देह के संबंध है उनको भूल जाना है। तुम जानते हो मुझ आत्मा को बाप को याद करने का फरमान मिला हुआ है, जानते हैं ना सभी, हाथ ऊपर करे। उस पर चलने वाले को ही फरमान बरदार कहा जाता है। जो कम याद करते हैं वह कम फरमान बरदार है, फरमान बरदार पद भी ऊंचा पाते हैं। बाबा का एक फरमान है याद करो, और दूसरा है नॉलेज को धारण करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो धन बहुत मिलेगा। भगवान उवाच, मेरे द्वारा मुझे भी जानो और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को भी जानो। ये दो बातें मुख्य है जिस पर ध्यान देना है। श्रीमत पर पूरा ध्यान देंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर रहम दिल बनना है, सबको रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। मित्र संबंधियों आदि को भी सच्ची यात्रा पर ले जाने की युक्ति रचनी है। वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई के पास नहीं है। वह है सब शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह यह नॉलेज देते हैं रूहों को। रूहों को ही वापस ले जाना है। अमृत वेले जब आकर बैठते हैं, कोई तो लाचारी आकर बैठते हैं। उन्होंको अपनी उन्नति का कुछ भी ख्याल नहीं है। बच्चों में देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी हो तो रहम दिल बन श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, कितना समय याद करते हैं। आगे चार्ट रखते थे। अच्छा, बाबा को न भेजो, अपने पास तो रखो, अपनी शक्ल देखनी है। हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं। कोई कोई सारे दिन की दिनचर्या रखते हैं। हॉबी होती है लिखने की। ये बाबा बहुत अच्छी राय देते हैं कि अपना हिसाब किताब रखो। कितना समय याद किया, कितना समय किसको समझाया, ऐसे चार्ट रखे तो बहुत उन्नति हो जाए। बाबा मम्मा को तो नहीं लिखना है। माला के दाने जो बनते हैं उन्होंको पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बन सकती, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। ब्राह्मणों की माला तो बदलती रहती है ना। आज बहुत पुरुषार्थी तो कल दिखेगा ही नहीं। आज 3-4 नंबर में है, कल लास्ट 16,108 में चले जाते हैं। कोई गिरते हैं तो बिल्कुल दुर्गति को पा लेते हैं। माला से तो गए, प्रजा में भी चंडाल जाकर बनते हैं। अगर माला में पिरोना है तो मेहनत करो। बाबा सबके लिए बहुत अच्छी राय देते हैं। भल गूंगा हो, कोई को भी इशारे से बाबा की याद दिला सकते हैं। अंधे लूले कैसे भी हो, तंदुरुस्त से भी ज्यादा ऊंच पद पा सकते हैं। शरीर का इसमें पुरुषार्थ में कोई लेन देन नहीं है। उल्टा बाबा कहते हैं आपको ज्यादा चांस मिलता है। कोई फिजिकल या कोई ऐसे डिफॉर्मिटी है तो भले स्थूल रूप से नहीं कर पाते, परंतु पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना इंटरनल। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षा मिल गया। है ये नशा कि हम बाबा के बने और वर्षे के अधिकारी बन गए। कहे हाँ जी बाबा। उनमें नंबरवार पद है। बच्चा पैदा हुआ, वर्षे के हकदार बन गया। यहाँ तुम हो मेल्स बच्चे, आत्मा सभी मेल है।
बाप से वर्से का हक लेना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। फिर कहते हैं कल्प पहले भी हार खाई होगी, बॉक्सिंग है ना, पांडवों की थी माया रावण के साथ लड़ाई, कोई तो पुरुषार्थ कर विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, कोई फिर प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। सभी यहाँ पढ़ रहे हैं, राजधानी स्थापन हो रही है, अटेंशन आगे वाले दोनों तरफ जाएगा। आठ दाने कैसे चल रहे हैं, पुरुषार्थ से मालूम पड़ जाता है ना। ऐसे नहीं अंतर्यामी है, सबके दिल को जानते हैं, नहीं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी एक-एक के दिल को थोड़े ही रीड करेंगे, मुझे थॉट रीडर समझा है। वास्तव में मैं जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत की मेरे पास नॉलेज है। ये चक्र फिर से कैसे रिपीट होता है, मैं उस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ। कल्प कैसे हुबहू 5,000 वर्ष का है और कैसे रिपीट होता है, बाबा कहते हैं मैं इस रिपीटेशन के राज को जानता हूँ, वह सब राज तुम बच्चों को समझाता हूँ। हर एक समझ सकते हैं कि परमात्मा कौन है और कितनी सर्विस करते हैं। बाकी बाबा एक-एक की दिल को जानने का धंधा नहीं करता है, वह चैतन्य मनुष्य सृष्टि का बीज नॉलेजफुल है। जानी जानन हर अक्षर बहुत पुराना है, हम जो नॉलेज जानता हूँ वह तुमको पढ़ाता हूँ। बाकी तुम क्या करते हो वह सारा दिन बैठ देखूंगा क्या, मैं तो सहज राजयोग ज्ञान सिखलाने आता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे तो बहुत है, बच्चे ही पत्र आदि लिखते हैं और मैं भी बच्चों के आगे ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर वह सगा है वा लगा है, सो फिर मैं समझ सकता हूँ। बाबा समझते तो है ना सभी, हर एक की पढ़ाई है, श्रीमत पर सभी को एक्ट में आना है, कल्याणकारी बनना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं तो हम सभी भी कल्याणकारी तो है ही ना, तो कल्याणकारी बनने का प्रैक्टिकल में अभ्यास करना है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा द्वारा, कहते हैं ना सभी, कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते तुम जानते हो वृक्षपति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है, बृहस्पति को, गुरुवार है ना आज, बाबा कहते हैं बृहस्पति को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति सोमनाथ भी ठहरा, शिव भी ठहरा, बच्चों को बहुत करके गुरुवार के दिन स्कूल में बिठाते हैं, गुरु भी करते हैं, तुमको सोमनाथ बाप पढ़ाते हैं, रुद्र भी सोमनाथ को कहते हैं, कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। यह एक ही यज्ञ चलता है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है, तत्व भी उथल पथल में आ जाते हैं, सब इसमें स्वाहा हुए हैं ना। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है, ये सब शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, परंतु मटेरियल यज्ञ से तो शांति हो न सके ना, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होती है, ये भ्रष्टाचारी दुनिया इसमें स्वाहा होने वाली है। ये सब बच्चों को देखना है, देखने वाले बड़े महावीर चाहिए, मनुष्य तो हाय हाय करेंगे। तुम्हारे लिए लिखा हुआ है मिरुआ मौत मलू का शिकार, दूसरों के लिए मौत है पर बाबा कहते हमारे लिए तो नई दुनिया की स्थापना है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, एक धर्म था, अब कलयुग के अंत में देखो कितने मनुष्य हैं, करोड़ों है ना, कितने धर्म हैं, ये सब धर्म कहाँ तक चलेंगे, सतयुग तो जरूर आना है ना। कहे हाँ जी बाबा। अब सतयुग की स्थापना कौन करेंगे, रचता बाप ही करेंगे, कलयुग का विनाश भी सामने खड़ा है। तुम भल गए हो कि गीता का भगवान, हाँ बाबा कहते अभी तुम भूल गए हो
क्या भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन है? बाबा ही तो आकर हमें याद दिलाते हैं वापस। भगवान ने स्वर्ग की स्थापना की, इसमें लड़ाई की तो कोई बात नहीं। उसने माया पर जीत पहनाई है। इस राज को न समझ उन्होंने असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, वह तो होती नहीं। तुम बच्चों को बाप द्वारा जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज मिली है, ये स्वदर्शन चक्र तुमको फिराना है। बाप और रचना को याद करना है। कितनी सहज बात है ना? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा हाँ, पुनः दूसरा गीत है मुरली में, तू प्यार का सागर है, वापस से गीत बजा। वही तो आज बाबा ने लिखा है, तुम ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस लिखते हो, बाकी ओशन ऑफ लव भी जरूर लिखना है। प्यार का भी सागर है ना बाबा, इसलिए तो गीत है तू प्यार का सागर है। बाप की महिमा बहुत है, परंतु सर्वव्यापी कहने से बाप की महिमा गुम कर दी है। श्री कृष्ण के लिए भी लिखा है, 16,108 रानियां थी। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, परंतु किसको भी पता नहीं कि श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं। राधे फिर लक्ष्मी बनती है, लक्ष्मी ही फिर जगत अम्बा बनती है, ये कोई नहीं जानते। अब बाप कहते हैं, मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, परंतु जो देही अभिमानी नहीं बनते उनको धारणा भी नहीं होती। अटेंशन तो इसी पर देना है ना, देही अभिमानी बनने पर। कहे हाँ जी बाबा। आधा कल्प तो देह अभिमान चला है, सत्युग में भी परमात्मा का ज्ञान नहीं रहता है। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। ये तो समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु वहां दुख की बात नहीं, ये परमात्मा की महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, एक बूंद है, मन मना भव मद्याजी भव। ये मिलने से हम विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हैं। सारे ज्ञान का सार ये दो मंत्र में आ जाता है, मन मना भव अर्थात अपना मन शिव बाबा में लगाना है, मद्याजी भव मध्य में विष्णुपुरी बताई है ना, विष्णु बताया अर्थात कि हाँ हम क्या बनने वाले हैं, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, तो सारा ज्ञान का सार इसमें आ गया ना। कहे हाँ जी बाबा। स्वर्ग में घी दूध की नदियां बहती है, आ गया स्वर्ग का दृश्य हमारे सामने। ये सब महिमा है, बाकी घी दूध की नदी थोड़ी हो सकती है, वो सुख संपन्नता को दर्शा रहा है। उसके लिए वो शब्द को एक समान बताने के लिए, एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बताया, बाकी कोई सत्य में थोड़ी ऐसे घी दूध की नदियां बहेगी। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है? भल अजमेर में मॉडल है, परंतु जानते कुछ नहीं है। तुम कोई को समझाओ तो झट समझ जाएंगे, बाकी ये रास विलास तो खेलकूद है। जैसे बाबा के पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तो तुम बच्चों की बुद्धि में फिरना चाहिए ना। बाप की महिमा एक्यूरेट सुनानी है, उनकी महिमा अपरम अपार है। सब एक जैसे तो हो नहीं सकते, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पोप का भी अगर ड्रामा अनुसार पार्ट होगा तो मिलेगा, अगर दूसरा होगा तो फिर आगे चलकर देखेंगे। जो दिव्य दृष्टि से दिखाया था वह सब इन आंखों से देखेंगे। विष्णु का साक्षात्कार किया है, वहां भी प्रैक्टिकल जाएंगे, फिर साक्षात्कार होना बंद हो जाता है। सत्युग त्रेता में न साक्षात्कार न भक्ति, फिर भक्ति मार्ग से ये सब बातें शुरू होती है। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं, जो फिर बच्चों को औरों को समझानी है।
बहनों भाइयों आकर बाप से वर्षा लो। उस ज्ञान से परमात्मा को सर्वव्यापी कह महिमा गुम कर दी है और ग्लानि कर दी है। पत्थर भीतर ठिकर प्राणी सब में सर्वव्यापी कह दिए ना परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं उस ज्ञान से परमात्मा की महिमा ही गुम कर दी, उल्टा ग्लानि कर दी है। तुम बच्चे यथार्थ महिमा को जानते हो, जानते हैं ना हम सभी बाबा की अभी यथार्थ महिमा को। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर एक्ट श्रीमत पर करनी है, सबका कल्याणकारी रहमदिल बन सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है, याद की आदत पक्की डालनी है, याद में बैठने समय कोई भी मित्र संबंधी खान पान आदि याद ना आए इसका अटेंशन रखना है, याद का चार्ट रखना है। आज का मीठा वरदान है, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। इसका विश्लेषण है, नेचुरल योगी बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर ये वह समाव नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो, मिटाना और परिवर्तन करना भी आता हो। तो जब व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो तब कहेंगे नेचुरल योगी। तो है ना सभी नेचुरल योगी, व्यर्थ वृत्ति व्यर्थ वाइब्रेशन को विदाई देने वाले। कहें हाँ जी बाबा। तो आज का हमारा स्वमान है, मैं नेचुरल योगी हूँ, मैं नेचुरल योगी हूँ। आज का स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह रहो मर्यादाओं में नहीं, व्यर्थ से बेपरवाह रहो मर्यादाओं में नहीं। मर्यादा में कभी भी लूज नहीं बने। व्यर्थ को विदाई देनी है तो उससे बेपरवाह हो जाओ, व्यर्थ को जरा भी मार्जिन न रहे अंदर एंट्री करने के लिए, पर मर्यादाओं में पूरा पूरा अटेंशन हो। अच्छा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। दो मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
शांति, कल रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 बजे, आज रात्रि क्लास में मिलेंगे 8:45 बजे, और कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, रोज की तरह ऐसे ही। अच्छा, शुभ दिवस, ओम शांति। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।